हमारी जो माँ दुर्गा है उन्हें और जिन्हें हम जय माता दी बुलाते हैं उन्हें भी, उनके हर एक रूप को मैं बहुत बहुत मानती हूँ, बहुत पूछती हूँ। और हर साल मेरे अपने घर में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माँ दुर्गा की, जिसे हम पूजते हैं घर पे। लेकिन जब दुर्गा माँ आती हैं हमसे मिलने, तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि जैसे अब आदत ही पड़ गई है कि बॉम्बे में रह के पहले उनके बेटे आते हैं गणपति जी, और फिर उनके सेलिब्रेशन के बाद फिर माँ आती हैं। और फॉर मी दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर हम शक्ति के लिए वो जो एक ममता भरा प्यार वो रिप्रेजेंट करती हैं, उसके लिए उनके सब अपने परिवार, अपने वो लोग जो बहुत तकलीफ़ में हैं या कमज़ोर पड़ गए हैं, उनके लिए आके पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। सो मैं हर साल आती हूँ। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ गरबा नहीं खेलते थे, लेकिन मैं जा चुकी हूँ बड़ौदा में। एक बार जाके मैंने बहुत मेरे पिताजी के एयरफोर्स में थे जब, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी बड़ौदा में, तो उस वक्त मैंने जाके धूमधाम से देखा था, कितने शौक से सब मनाते हैं। लेकिन हमारे बंगाल में षोष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में एक पूजा आती है जो अष्टमी के दिन, शुंडी पूजो नाम है जिसका, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा सज धज के निकलती हूँ। आज मैं एक्चुअली शूटिंग से आ रही हूँ इसलिए इतनी सजी धजी हूँ, पर यूजली मैं बिल्कुल ही प्लेन आती हूँ उनसे मिलने, लेकिन शुंडी पूजो वाले दिन बहुत सज धज के आती हूँ, बिकॉज आके उनके साथ सेलिब्रेट करने में, उनकी जीत को सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक बचपन में हर किसी के इन्जॉयमेंट, चाहे वो कुछ आगे चल के फेमस बने या ना बने, बचपन की यादें ही रहती हैं। बड़े होके वो मज़ा आता ही नहीं है। आप लोगों को ही देख लो, आप लोग कैमराज लेके यहाँ पर दर्शन करने आए हो और मैं भी इतना सज धज के। सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। पर जब तक इंसान के अंदर एक अच्छी एक विश्वास, एक भक्ति रहती है, वो किसी भी रूप में, किसी भी एज में, किसी के साथ, किसी भी मौसम में बहुत भाती है, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीबॉडी। अरुण बोल पूछ रहा था। अरे अरुण पूछ रहा था, बोलने का ना।